Hello learners, I am Vinita Pant from Department of Psychology, Uttarakhand Open University, Haldwani. And in today's lecture, the topic we are going to study is Normal Probability Curve, NPC, जिसे हिंदी में सामान्य संभाव्यता वक्र भी कहते हैं. तो आज की कक्षा में हम जानेंगे कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का इस्तेमाल कहाँ होता है तथा NPC की विशेषताएँ क्या क्या होती हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य संभाव्यता वक्र जिसे कहते हैं, वो एक ऐसा कर्व है जो कि एक मैथमेटिकल कर्व है या थ्योरेटिकल कर्व इसे बोला जाता है. ये कोई मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल कर्व नहीं है. इसमें हम मानते हैं कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक चर होते हैं, कोई भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल है या बिहेवियरल साइंस से जुड़े हुए जो भी चर होते हैं, उनको जब हम एक बड़ी जनसंख्या पर स्टडी करते हैं, जब उनका डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के बाद उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस आकार से बनकर आता है कि वो एक बेल शेप का कर्व की तरह हो जाता है. जैसे कि मान लीजिए अगर हमने बहुत बड़ी जनसंख्या की हाइट को मेजर किया और हाइट को मेजर करने के बाद हमने उसका एक ग्राफ हिस्टोग्राम बनाया, तो हम देखेंगे कि कुछ इस तरीके से हिस्टोग्राम बनेगा. कुछ हाइट जो कम हाइट के लोग होंगे इतने, फिर कुछ लोग इतनी हाइट के, फिर कुछ लोग इतनी हाइट के, फिर कुछ लोग इतनी हाइट के, और इसी प्रकार से इतनी हाइट के इतने लोग, और ऐसे करके ये कम होता जाएगा. जब हम इसको फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो पॉलीगन बन के आएगा वो कुछ इस तरह का नजर आएगा. यही जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन होता है इसको हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बोलते हैं, यानी सामान्य संभाव्यता वक्र बोलते हैं. तो इसके आधार पे माना जाता है कि जितने भी साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल साइंस के वेरिएबल हैं वो बड़ी जनसंख्या में इस प्रकार से वितरित, उनका वितरण होता है, उनके जो डेटा होता है वो इस प्रकार से वितरित होता है कि उसका जो कर्व है वो कुछ बेल शेप का बन के आ जाता है. इसी को हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं. और इसके आधार पर हम जो हमारे जो डेटा होते हैं बिहेवियरल साइंसेज में, रिसर्च वर्क में जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उनसे इन्फेरेंसेस निकालने का प्रयास करते हैं कि इसके आधार पे हम आगे क्या गणनाएं कर सकते हैं, उसमें हमें NPC मदद करता है. तो ये है NPC. अब इसमें सामान्य संभाव्यता वर्ड आ रहा है, मतलब संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी वर्ड आ रहा है. तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है प्रोबेबिलिटी क्या है. प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता का अर्थ होता है किसी घटना के घटने की कितनी संभावना है. जैसे हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, 100 में से एक मतलब किसी इवेंट की होने की क्या चांस है, बाय कितने चांस वो इवेंट हो सकता है, इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि हमने एक सिक्के को उछाला, एक सिक्के को उछालने के बाद उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो यानी कि दो आउटकम्स आ सकते हैं, तो ये टोटल आउटकम्स हमारे पास दो हो गए. अब इसमें से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. अगर मैंने आपसे कहा कि हेड आने की चांस क्या है तो आप कहेंगे 1/2 है, या मैंने आपसे कहा कि टेल आने की चांस क्या है तो आप कहेंगे 1/2 है. तो ये प्रोबेबिलिटी रेशियो को दर्शाता है. प्रोबेबिलिटी रेशियो जो होता है उसको हम लिखते हैं डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि जो जितने आउटकम डिजायर्ड हैं और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं. जैसा कि हमने यहाँ देखा कि अगर हम हेड की बात करते हैं तो हेड आने की चांस 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 है, यानी कि हेड और टेल. तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी रेशियो हो गया 1/2. अगर हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो हम देखेंगे कि या तो हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो एक में टेल और दूसरे में हेड आएगा, या फिर दोनों में टेल आएगा. तो इसके आने की चांस 1/4 हुई, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 निकल के आ रहे हैं और ये वाला जो पोर्शन है ये 1 है. तो 1/4, इसकी भी 1/4 हुई, इसकी भी 1/4 हुई और इसकी भी 1/4 हुई. तो ये रेशियो को जब हम ऐड करते हैं तो ये 1 बन जाता है. उसी प्रकार से जब हम इसको भी ऐड करेंगे तो ये भी 1 बन जाएगा. तो जो प्रोबेबिलिटी रेशियो होता है वो 0 से 1 तक का ही उसकी जो वैल्यू है वो आती है. अब अगर मैंने इसमें कहा कि एक बार हेड आने की चांस कितनी है, तो एक बार हेड इसमें भी आ सकता है और एक बार ही हेड आने की बात करी है तो एक बार ही हेड इसमें भी आ सकता है, एक बार ही हेड इसमें भी आ सकता है. यानी कि दो आउटकम है जिसमें हेड आ सकता है और टोटल आउटकम है जिसमें मतलब जो टोटल आउटकम है वो 4 है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 2/4, यानी कि 1/2. तो ये इस तरीके से हमारा जो प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत है वो काम करता है. और वो इस तरह से यहाँ की जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है
इसमें उसकी मदद से इन्फ्रेंसेस निकाले जाते हैं। तो ये हमने समझा कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है। अब इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके आधार पर हमारा जब डेटा उन विशेषताओं को पूरा करता है तभी हम कहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अनुसार वितरित है या फिर नॉर्मली वितरित है। तो रिसर्च वर्क्स में जो हम आगे जाके पीएचडी वगैरह या फिर किसी भी प्रकार का रिसर्च वर्क करते हैं तो उसमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का बहुत इंपॉर्टेंस मानी जाती है, क्योंकि कभी भी आप एक जनसंख्या के आधार पर जो गणना करते हैं तो उसमें हम मान रहे हैं कि वो जो जनसंख्या है वो इस प्रकार से वितरित है, लेकिन हम पूरी जनसंख्या को नहीं ले पाते हैं, हम एक सैंपल को लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारा सैंपल भी इसी प्रकार से वितरित है तो हम कहते हैं कि हमारा सैंपल उस जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको हम आइडियल कर्व माने या फिर एक रेफरेंस कर्व माने और हम अपने सैंपल को उसी कर्व के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं, या हमारा जो सैंपल होता है उसको हम कोशिश करते हैं कि वो इसी कर्व के अनुसार डेटा को रिप्रेजेंट करे, ताकि उसके जो रिजल्ट हैं या उसके जो आउटपुट्स हैं वो हम पूरी जनसंख्या पे जनरलाइज कर सकें। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसमें कि सबसे पहली विशेषता होती है कि ये बेल शेप का होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि घंटाकार आकृति का होता है, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता इसकी होती है कि ये यूनिमॉडल कर्व होता है। यूनिमॉडल कर्व मतलब इसका मोड एक ही होता है, मोड मतलब होता है कि जो आवृत्ति सबसे ज्यादा बार आ रही होती है, तो इसका हम मोड मानते हैं कि ये इसका मोड है, ये एक ही होता है इसमें। अगर बाईमॉडल होता कर्व तो वो कुछ इस तरह से बनकर आता, अगर मल्टीमॉडल कर्व होता तो वो कुछ इस तरीके से बन के आता, लेकिन जो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है वो एक यूनिमॉडल कर्व है। तो दूसरी विशेषता इसकी है कि ये यूनिमॉडल है। तीसरी विशेषता इसकी अगर हम देखें तो ये बायलैटरिकली सिमेट्रिकल होता है। बायलैटरिकली सिमेट्रिकल होने का मतलब है कि अगर हम बीच में एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो जितना पोर्शन यहाँ आता है उतना ही पोर्शन यहाँ आता है, यानी कि 50% हिस्सा इधर आ रहा है और 50% हिस्सा इधर आ रहा है, तो ये दर्शाता है कि ये बायलैटरिकल कर्व होता है, बायलैटरिकली सिमेट्रिकल कर्व होता है। इसके बाद अगर हम इसकी अगली विशेषता पे आते हैं तो कहा जाता है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो होता है उसमें जीरो स्क्यूनेस होती है, यानी कि उसमें जो विषमता होती है वो जीरो होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट बनकर आता है। अगर उसमें स्क्यूनेस होती तो वो या तो इधर को झुका होगा या तो इधर को झुका होगा, लेकिन जो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो कुछ इस तरह का होता है जिसमें कि जीरो स्क्यूनेस मानी जाती है। अगर आपका डेटा जो है उसका कर्व इधर को झुका हुआ हो रहा है तो हम उसे कहते हैं कि आपका डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, और अगर आपका जो कर्व है डेटा का वो कुछ इस तरह इधर को झुका हुआ होता है तो हम उसे कहते हैं कि वो नेगेटिवली स्क्यूड है। नेगेटिवली स्क्यूड मीन्स इस तरफ को उसका स्क्यूनेस ज़्यादा दिख रही है, और पॉजिटिवली में मीन्स इस तरफ को उसकी स्क्यूनेस ज़्यादा दिख रही है, लेकिन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जीरो स्क्यूनेस पाई जाती है। उसके अलावा हम इसकी विशेषताओं में देखते हैं इसकी कर्टोसिस की बात करते हैं। कर्टोसिस यानी जिसको कुकुदता बोला जाता है, यानी कि जो कर्व है उसका जो चोटी है शिखर है वो किस तरीके का दिख रहा है। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो होता है उसका जो शिखर होता है उसकी जो चोटी होती है वो एक सामान्य स्तर की होती है। अगर ये बहुत ऊंचा हो जाएगा तो भी वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से उसकी कुकुदता अलग हो जाएगी, और अगर वो बहुत चपटा हो जाएगा तो भी वो अलग हो जाएगा। अगर चपटा हो रहा है तो उसको हम कहते हैं प्लैटिकल्टिक और अगर ये बहुत ऊंचा हो रहा है तो उसको हम कहते हैं लेप्टोकर्टिक। लेकिन जो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो होता है मेसोकर्टिक। और इसकी जो कर्टोसिस की वैल्यू होती है वो मानी जाती है 0.263, यानी कि अगर आपकी वैल्यू 0.263 से अधिक आ रही है तो आप उसको प्लैटिकर्टिक बोलेंगे, और अगर आपकी वैल्यू जो कर्टोसिस की है वो 0.263 से कम आ रही है तो उसको आप लेप्टोकर्टिक बोलेंगे। लेकिन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की जो कर्टोसिस वैल्यू होती है वो 0.263 होती है। अधिकतर जब हम रिसर्च करते हैं तो एक आइडियल कर्व तो नहीं बन के आता है, बट उससे मिलता जुलता कर्व जरूर हमारा बनना चाहिए, तभी हम उसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में रखते हैं। इसके बाद हम अगर उसकी अगली विशेषता की बात करें तो हम देखते हैं कि इसके मीन मीडियन और मोड इक्वल होते हैं, यानी कि इस वक्र के जो मीन है वो मीडियन के इक्वल होगा
और वही मोड के इक्वल होगा और वो सेंटर में लाई करेंगे। यहाँ पे इसके मीन, मीडियन और मोड तीनों लाई करते हैं। अगर आपका जो वक्र है वो स्क्यूनेस होगी, उसमें वो स्क्यूड होगा, तो उसके मीन, मीडियन और मोड अलग अलग हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मीन, यहाँ पे मीडियन और यहाँ पे मोड। अगर आपका वक्र इस तरफ को स्क्यूड होगा तो आपके मीन, मीडियन और मोड इस तरफ को चले जाएंगे। यहाँ पे आपकी मीन होगी, यहाँ पे आपका मीडियन होगा और यहाँ पे आपकी मोड होगी। लेकिन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व अगर होगा तो उसके मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होंगे और तीनों बीच में लाई करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी जो अगली विशेषता है उसमें हम मानते हैं कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो एसिम्प्टोटिक कर्व होता है। एसिम्प्टोटिक का अर्थ है कि वो एक्स एक्सिस में यहाँ पे टच नहीं करता है, ना ही यहाँ पे टच करता है। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की इसकी वैल्यू चलती है, यानी ये कंटिन्यूस चलता रहता है, एक्स एक्सिस को ये टच नहीं करता है। इसमें इसको हम कहते हैं कि ये एसिम्प्टोटिक कर्व होता है या फिर अनंत स्पर्शी कर्व इसको बोला जाता है। अब इसकी जो अगली विशेषता है उसमें हम देखते हैं कि पॉइंट इसकी जो रेंज है वो -6 सिग्मा में फैली होती है, यानी कि इसको 6 भागों में बांटा जा सकता है कुछ इस तरीके से, जिसमें कि यहाँ पे 0 से मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे हम लिखते हैं +1 सिग्मा +2 सिग्मा +3 सिग्मा और इधर हम लिखेंगे -1 सिग्मा -2 सिग्मा -3 सिग्मा। तो ये जो वक्र है इसमें 50% भाग इधर को था, 50% भाग इधर को था, तीन भाग इधर को आ गए और 3 भाग इधर को आ गए। ये होते हैं स्टैंडर्ड स्कोर, जो कि जिनको जेड स्कोर भी बोला जाता है, जो यहाँ पे जिनको इस यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। और हमेशा जेड स्कोर की वैल्यू को देखने के लिए हम डिफरेंस पॉइंट जो है वो मीन से लेते हैं, यानी कि मीन से ही हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और इसके आधार पे ही इसकी एरिया जो होती है वो डिसाइड होती है, यानी कि इस कर्व के अंदर जो एरिया होती है वो फिक्स्ड है और वो पहले से ही डिसाइडेड है, जो कि स्टेटिस्टिक्स में दी गई है। और उसको अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका वितरण कुछ इस तरीके से होता है कि ये आपको दिखा था कि ये मीन है, ये -1 सिग्मा है, ये -2 सिग्मा है, ये -3 सिग्मा है, ये प्लस है और ये -1 सिग्मा, ये -2 सिग्मा और ये -3 सिग्मा। अब इसमें मीन से लेके -1 सिग्मा की तो जो वैल्यू होती है वो 34.13 के आसपास आती है, 0 से लेके +1 सिग्मा की भी 34.13 के आसपास आती है। और फिर इसी तरीके से हम देखें कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में 13.59% आ रही है, यहाँ से यहाँ के बीच में 2.14% आ रही है, -1 से -2 के बीच में 13.59% आ रही है और -2 से -3 के बीच में 2.14% आ रही है। और अगर हम देखें कि -1 से +1 के बीच की अगर हम देखें तो इन दोनों को जोड़ के, यानी 34.13 और 34.13 को जोड़ के 68.26% की एरिया इस रेंज में कवर हो जाती है। और -2 सिग्मा से +2 सिग्मा के बीच की जो वैल्यू है उसको हम मानते हैं कि 95.44% एरिया यहाँ पे कवर हो जाती है। और -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच की जो एरिया कवर करता है एनपीसी, वो 99.73% के आसपास की एरिया वो कवर करता है। इसके अलावा 0.14% इधर तथा 0.14% उधर से हम नेग्लिजिबल मानते हैं और उसको इग्नोर करते हैं। टोटल एरिया इसके अंदर 99.73% कवर मानी जाती है। और जो ये एरिया का कैलकुलेशन है ये एनपीसी की एक टेबल के आधार पर होता है, एक ऑलरेडी एक टेबल अवेलेबल होती है, जैसे कुछ लॉग टेबल्स वगैरह होती हैं उसी तरीके से एनपीसी की एक टेबल अवेलेबल है जिसमें एरिया अंडर कर्व दिया रहता है और हम जेड स्कोर्स की सहायता से उसमें उस एरिया को निकाल के कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम अगली कक्षाओं में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से एरिया अंडर कर्व यहाँ पे स्थित है। अब इसकी जो अगली विशेषता है उसमें हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब होता है ये जो वक्र है वो अपनी शेप को कहाँ पे चेंज करता है। आप देख रहे हैं यहाँ तक ये उभरा हुआ है और इसके बाद ये अंदर को दबा हुआ प्रतीत होता है। तो हम माना जाता है कि ये जो 1 सिग्मा का पॉइंट है +1 सिग्मा तथा -1 सिग्मा जो कि यहाँ पे और यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसके माने जाते हैं, जहाँ पे ये वक्र कॉन्वेक्स से कॉनकेव शेप का हो जाता है। ये होता है कॉन्वेक्स शेप और इसके बाद ये शेप जो होता है कॉनकेव में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो
इस तरह से एनपीसी जो है उसकी कुछ ये विशेषताएं हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी ऑर्डिनेट वैल्यू को देखें, ऑर्डिनेट वैल्यू होता है यानी कि वाई एक्सिस कहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू रख रहा है, तो वाई एक्सिस की सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो इस पॉइंट पे आ रही है यानी कि मिडल पे आ रही है, तो ये इसकी ऑर्डिनेट वैल्यू मानी जाती है। उसके अलावा अगर हम एनपीसी की जो 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 वक्र है उसकी इक्वेशन की बात करें, तो एनपीसी की जो वक्र की इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू n अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e रेज टू द पावर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। इसमें आप देख रहे हैं जो y जो है वो y ऑर्डिनेट को दिखाता है, n जो है आपका वो आपका नंबर ऑफ जो उसमें मेजरमेंट होता है वो होता है, सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन को दिखाता है, पाई वैल्यू आपकी जो होती है वो 3.14 की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ऑलरेडी, और x जो होता है वो आपका डेविएशन दिखाता है यानी कि x माइनस n से जो वैल्यू कैलकुलेट करके आती है। उसके अलावा 2 सिग्मा जो e वैल्यू है वो आपकी नेफीरियन कांस्टेंट को दिखाती है, इसका भी कांस्टेंट वैल्यू पहले से हमें गिवन होती है जो कि 2.718 होती है। तो इस तरीके से ये जो कर्व है इसकी एक इक्वेशन हमारे सामने बनकर आ जाती है। इसके अलावा जो ये जो आपको z वैल्यूज दिखाई गई थी कि z वैल्यूज यहाँ पे होती हैं, यानी कि जो सिग्मा वैल्यूज हमारे पास आती हैं प्लस वन सिग्मा प्लस टू सिग्मा माइनस वन सिग्मा एंड माइनस टू सिग्मा, ये एक्सेट्रा जो वैल्यूज आती हैं इनके बीच की भी कुछ वैल्यूज निकल के आ सकती हैं, इनको निकाले बिना हम इस जो वक्र है इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि जैसे हमें इसकी अंडर की परसेंटेज निकालनी है, एरिया निकालनी है, तो उसके लिए हमें जेड वैल्यू का पता होना जरूरी है। लेकिन हमारे जो स्कोर्स होते हैं वो स्टैंडर्ड रॉ स्कोर्स होते हैं, उन रॉ स्कोर्स को हम स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपने एंग्जाइटी का कोई टेस्ट लगाया पॉपुलेशन पे, तो आपके पास जो स्कोर निकल के आएंगे उस टेस्ट से वो आपके रॉ स्कोर्स होंगे, उन रॉ स्कोर्स को आप स्टैंडर्ड स्कोर या जेड स्कोर में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एम अपॉन एस डी। तो इस तरीके से ये जो है ये आपका रॉ स्कोर है, और ये जो है आपका मीन है, एस डी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके आधार पे आप स्टैंडर्ड स्कोर या जेड स्कोर को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी डेटा है उसका मीन आपका 25 है और एस डी आपका उसका 5 है, तो आपको अगर स्टैंडर्ड स्कोर के एक रॉ स्कोर दिया गया जो मैंने बोला कि आपको 30 का बताइए कि जेड स्कोर क्या होगा, तो आप जेड स्कोर निकालने के लिए क्या करेंगे, रॉ स्कोर यानी कि 30 माइनस मीन यानी कि 25 अपॉन 5 निकालेंगे जो कि आ जाएगा 5/5 यानी कि 1, तो यानी कि 1 सिग्मा जो है आपका स्टैंडर्ड स्कोर आ गया। आप इस वैल्यू को देखेंगे, अब इस वैल्यू के अंदर आप फिर टेबल से चेक करके इसकी जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हमारा जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है वो क्या होता है, उसकी विशेषताएँ क्या क्या है, और किस प्रकार से प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत काम करते हैं, इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो वेरियस होती हैं, यानी कि किस तरह से उनको बिहेवियरल साइंसेज में रिसर्च में यूज़ किया जाता है, इसको जानने के लिए का प्रयास हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।